गुड मॉर्निंग इंडिया। आज 2 फरवरी 2018 मैं नीरज अडिग एवरेस्ट क्लासेस की ओर से करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कंटेंट डिस्कस करेंगे उसमें 10 मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। आसियान कंट्रीज़ में आज हम लोग कंबोडिया के बारे में जानेंगे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में आज हम लोग मिजोरम के बारे में जानेंगे और इम्पॉर्टेंट पर्सन में आज हम लोग राजकुमारी अमृत कौर के बारे में जानेंगे और आज के दिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इतिहास में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया को कितना रैंक दिया गया है 2017 के EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में? ऑप्शंस आर A32, B42, C52, D62 और सही जवाब है B42। भारत को 42वां स्थान दिया गया है 165 देशों में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के जो एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो हुआ है रिलीज हुआ है उसमें इसमें टॉप पर है नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। इसमें जो है स्टेट्स को जो है उसमें 5 कैटेगरी में इनका प्रोसेस किया गया है, इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड प्लुरिज्म, सिविल लिबर्टी, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। 2018 डेटा प्राइवेसी डे DPD कब ऑब्जर्व किया गया? और ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 28 जनवरी, डी 29 जनवरी और सही जवाब है सी 28 जनवरी। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व किया गया है DPD। कौन सा सिटी है जो 7th इंडिया एनर्जी कांग्रेस IEC 2018 को होस्ट करेगा? ऑप्शंस आर ए कोलकाता, बी पुणे, सी रांची, डी न्यू दिल्ली और सही जवाब है डी न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 1 फरवरी से ये जो इंडियन एनर्जी कांग्रेस IEC का 7वां जो है एडिशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसकी उद्घाटन जो है यूनियन पावर मिनिस्टर जो है आरके सिंह उन्होंने किया है। और विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द 4th एडिशन ऑफ इवॉल्व इन कोयम्बटूर तमिलनाडु? किस बैंक ने 4th एडिशन इवॉल्व का कोयम्बटूर तमिलनाडु में लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर ए एक्सिस बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक, डी बंधन बैंक और सही जवाब है ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने इवॉल्व जो है उसका 4th एडिशन लॉन्च किया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में और एक्सिस बैंक के जो CEO और MD हैं वो शिखा शर्मा हैं और जो एक्सिस बैंक है उसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। गूगल ने एक नया ऐप बनाया है जिसमें आप अपनी स्टोरीज को अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में आप पोस्ट कर सकते हैं, उस ऐप का नाम क्या रखा है? ऑप्शंस आर ए हेडलाइंस, बी बुलेटिन, सी समाचार, डी 24x7 और सही जवाब है बी बुलेटिन। गूगल ने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम बुलेटिन रखा है, जिसमें आप स्टोरीज अपने कम्युनिटीज़ के बारे में फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स और टेक्स्ट वगैरह सारा चीज़ आप पब्लिश उसमें कर सकते हैं। हु टेक्स ओवर एज NSG डायरेक्टर जनरल? NSG के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शंस आर ए पी कुमार, बी वाई नायडू, सी SP सिंह और डी सुदीप लखटकिया और सही जवाब है डी सुदीप लखटकिया। सुदीप लखटकिया जो IPS ऑफिसर हैं उनको जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इससे पहले उसके जो डायरेक्टर थे वो थे SP सिंह और जो लखटकिया हैं वो 1984 के IPS हैं तेलंगाना कैडर के और इससे पहले वो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उसमें थे और उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPCG में भी 9 साल तक वर्क किया है। SPC जो होता है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है और NSG का गठन किया गया था टेररिस्ट और हाईजैक्स वाले इंसिडेंट्स के लिए
तो ये स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें 5 हब बनाए गए, जहाँ से नियरेस्ट लोकेशन पर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो जो नियरेस्ट लोकेशन हो वहाँ से कमांडोज भेजे जा सकते हैं। इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में है। इंडिया ज्वाइंस विच एग्रीमेंट, इंडिया ने किस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है? वन बेल्ट वन रोड, असगाबाद, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट एशिया कॉरिडोर। और सही जवाब है बी, असगाबाद। इंडिया ने तुर्किमिस्तान, ईरान, ओमान और उज़्बेकिस्तान के साथ में ये एग्रीमेंट ज्वाइन किया है जो कल से इफ़ेक्टिव है, ताकि हमारा जो है वो सेंट्रल एशिया में ट्रेड और कमर्शियल टाइज जो है वो मजबूत हो सके। वुमेंस का इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन आर ए रीता दीक्षित, बी एमसी मैरी कॉम, सी किसुकी, डी फिलिपिनो जोसिया गेबिको। और सही जवाब है बी एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम ने गोल्ड जीता है वुमेंस इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। किस स्टेट ने लॉन्च किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF जीरो बजट नेशनल फार्मिंग टू प्रोजेक्ट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF को लॉन्च किया है? ऑप्शन आर ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। और सही जवाब है डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF को लॉन्च किया है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सके। और इसमें जो है ये कम बजट लगेगा क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं होंगे, और इसमें जो गाय का गोबर है, काउडंग है, इसी सब को यूज करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। किसने पहला गोल्ड मेडल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 1500 मीटर में जीता है? ऑप्शन आर ए श्याम कुमार, बी राम कुमार, सी अनु कुमार, डी सोहन कुमार। और सही जवाब है सी अनु कुमार। अनु कुमार जो हैं वो उत्तराखंड के हैं, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में, जो 1500 मीटर का जो दौड़ हुआ था उसमें, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। आज हम लोग जानेंगे कंबोडिया के बारे में, जो आसियान का एक इम्पोर्टेंट देश है। इसकी कैपिटल जो है वो पिनोम पेन है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो खमीर है। ये 9 नवंबर 1953 को फ्रांस से आज़ाद हुआ था। इसके किंग का नाम नोरोडोम सिंहामोनी है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुन सेन है। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो कंबोडियन रियाल है, और ये जो है एशियन कंटिनेंट में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में। और यहाँ जो रिलीजन है वो है बुद्धिज्म रिलीजन है, और ये एक तरफ से थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ वेस्ट से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये रहा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड से। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज हम लोग मिजोरम की चर्चा करेंगे, लैंड ऑफ मिजो पीपल, मिजो पीपल के रहने का स्थान मिजोरम। 20 फरवरी 1987 को यह राज्य बना था। इसकी राजधानी आइजवाल है, और गवर्नर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं पू लथांग वाला, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। और जो 40 सीटें हैं एमएलए की, वहाँ राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीट है। और कोर्ट जो है आइजवाल बेंच जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। और यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज बोला जाता है वो मिजो और इंग्लिश बोला जाता है। 7 सिस्टर्स में से 3 सिस्टर्स के स्टेट्स इसको टच करते हैं, वो है त्रिपुरा, असम, मणिपुर। और 2 कंट्री के बॉर्डर इससे सटते हैं, वो है बांग्लादेश और म्यांमार। मिजोरम में जो कुछ डांस फेमस हैं वो हैं चिरौ, खुल्लम, पेहिया लैम, चाय, रालू लैम, सलाकिया, सरलामकई, पार लैम, साकेलू लैम। और 2 नेशनल पार्क है वहाँ, मुरलेन नेशनल पार्क और पोंग्यूंगपुरी नेशनल पार्क। और जो एनिमल वहाँ का है, नेशनल एनिमल, वो है शेरौ, और नेशनल बर्ड है मिसेज ह्यूम्स पीजेंट, और फ्लावर जो है चेस्टनट, और जो है ट्री जो है रेड वंडा है।
मिजोरम की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, 1972 तक यह असम का हिस्सा था, उसके बाद 1972 में यूनियन टेरिटरी बना केंद्र शासित प्रदेश, और 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना, जो 53वां अमेंडमेंट जो संविधान में हुआ था 1986 के द्वारा। इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिजोरम में ही है, और मिजोरम में जो धर्म है वो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है, जो कि 87% है। आज 2 फरवरी को हम लोग चर्चा करेंगे, आज बर्थडे है राजकुमारी अमृत कौर का। ये फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर है, ये भारत की पहली महिला यूनियन मिनिस्टर हैं, और ये पहली महिला हेल्थ मंत्री बनी थी। इनके पिताजी का नाम राजा हरनाम सिंह, माँ का नाम रानी हरनाम सिंह। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था, और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1964 को न्यू दिल्ली में हो जाती है। ये फ्रीडम फाइटर भी थी और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की भी सदस्य थी, और 1950 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की सदस्य चुनी गई, जो कि पहली महिला और पहली एशियन ने इस पोस्ट को होल्ड किया था। और आप सब में बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में बना, वो इन्हीं का योगदान है। इन्होंने अपने रिलेटिव्स लोग, इन्होंने ज़मीन दान किया, और पूरी मेहनत करके सरकार के पीछे लग के एज ए हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने उसको बनाया, और इसकी पहली एम्स की पहली प्रेसिडेंट भी राजकुमारी अमृत कौर ही थी। और इन्होंने 14 साल तक ये चेयरपर्सन रही रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया की, 14 साल तक ये चेयरपर्सन रही। आज के दिन 2 फरवरी को इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई, वो आइए वो हम देखते हैं। 1653 ईस्वी में आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर बना था, और 1848 में जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में ट्रीटी होती है, जिसके तहत टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और एरिजोना जो प्रांत है वो अमेरिका को मिल जाता है, और लड़ाई मैक्सिको के साथ अमेरिका की बंद हो जाती है। और 1943 में आज ही के दिन स्टालिनग्राड की लड़ाई में, वर्ल्ड वार टू में, जो हिटलर की जो फौज है वो सरेंडर करती है, 91,000 फौज जो है वहाँ सरेंडर करती है, और हिटलर का पतन हो जाता है। और आज ही के दिन 1971 में इदी अमीन जो कि डिक्टेटर था युगांडा का, वो आज ही के दिन अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्टेटर घोषित कर देता है। 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस हमारा बैंक एसएससी का चल रहा है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। हमारा पता है एवरेस्ट क्लासेस, अपोजिट एन कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 7279845076, 7004154803। प्लीज़ सब्सक्राइब एवरेस्ट क्लासेस एंड क्लिक ऑन बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।